नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में ऐसा सांप नजर आ रहा है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सांप बताया जा रहा है। ये सांप कैरेबियाई देश डोमिनिका में मिला है। इस सांप की लंबाई और वजन इतना ज्यादा है कि इसे इंसान का पकड़ पाना मुश्किल था, इसलिए इसे पकड़ने के लिए क्रेन को बुलाना पड़ा। दसन की रिपोर्ट के मुताबिक इस पकड़े गए सांप की लंबाई 10 फीट है और इसे झाड़ियों से निकालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। सांप इतना बड़ा और इतना खतरनाक था कि क्रेन पर लटकते ही ये बचने के लिए हरकतें करने लगा, जिसके कारण वहां मौजूद आसपास के लोग और क्रेन ड्राइवर भी खौफ में था। ये सांप वर्षावन में पाया गया है, जहां बोआ कंस्ट्रिक्टर सांपों की प्रजाति पाई जाती है। ये प्रजाति बहुत ही खतरनाक होती है। इस प्रजाति के सांप 13 फीट तक लंबे होते हैं। ये सांप इतना खतरनाक है कि पहले अपने शिकार को चारों ओर से जकड़ लेता है, फिर उन्हें मौत के घाट उतारने से पहले अपने दांतों से काटता है। फिलहाल इस सांप को लेकर अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि जिस जगह पर ये सांप मिला है उसे द नेचर आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर काफी दुर्लभ प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस सांप को सबसे पहले जंगल में काम करने वाले लोगों ने देखा था। इसे देखते ही वहाँ मौजूद लोगों के होश उड़ गए। इस घटना की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें सांप को क्रेन से लटका हुआ देखा जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।